शुरू हुए 3.5 साल हो गए। मैं 4 साल में आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आज ही जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों पर, फिर चले गए थे कैंप के नंबर और विश्व युग। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का चक्कर धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमेटोफाइट्स ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मार दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव। भूभाग पर प्रथम यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस या डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर विकसित होने लगा। महादेश द्वीपों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकल गया। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टीरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आहार में बदलते गए। इसी समय
बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी घर पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज योहिपस की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ जलवायु में शीतलता एवं पृथ्वी के लंबे इतिहास में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंड, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। पुष्ट गुंबद आकार के घोड़नुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले तीर जंगल में शांति से विचरण करते थे। सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। मानव जाति हमेशा अपने बारे रही है, यही हमें अद्वितीय बनाता है। पिछले 150 सालों में हमने जाना कि राज हमारे पैरों पर है, जमीन में दफन आदिम उपकरण और जीवाश्म हड्डी। हमें ऐसे सुराग सबसे ज्यादा अफ्रीका से मिलते हैं। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अब तक जिन प्राचीनतम अवशेषों को खोजा है उनमें कई अफ्रीकी जमीन में पाए गए हैं। हड्डियों के टुकड़े, खोपड़ी के हिस्से, आदिम उपकरणों के आकार वाले पत्थर, ये सभी एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। समाज का अध्ययन उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की अब पुरानी हड्डी के टुकड़ों से डीएनए हासिल कर इसकी तुलना अन्य लोगों से कर सकते हैं। करीब 50 लाख साल पहले मानव वंश वृक्ष विभाजित हो गए, आगे वानर के रूप में विकसित हुए जैसे हमारे करीबी अनुवंशिक संबंधी चिंपैंजी, जबकि अन्य हमारे आरंभिक पूर्वजों की पूर्व मानव वानरों का एक समूह ज्वालामुखी। वो भी दो कैसे चलने लगे? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने सीधा होना तब सीखा जब जलवायु बदलने लगी और खुले मैदानों ने जंगलों की जगह ली। इस प्रक्रिया में उंगली से पकड़ने की क्षमता खत्म हो गई
उनके निचले अंग पैर बन गए और ऊपरी अंग हाथ। उनके दिमागों के आकार और जटिलता बढ़ने लगी। वे बंदरों के शायद किसी आदि मानव ने यूं ही पत्थर से भली को मारा होगा और वो टूट गया। और जितनी बार उन्होंने ऐसा किया उनकी याददाश्त बढ़ती गई। कुछ समय बाद उन्होंने पत्थरों को ही तोड़ना शुरू किया और उन्हें नुकीला बनाया ताकि उनका इस्तेमाल भली तोड़ने के साथ साथ मांस काटने में भी हो सके। हम इन्हें होमो या मानव कहते हैं। उन्हें नए औजारों से अन्य जानवरों द्वारा छोड़े गए मांस को काटने में मदद मिली। मांस खाने से उन्हें अधिक प्रोटीन मिलने लगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस कारण उनके मस्तिष्क के आते और वे अफ्रीकी जंगल वाले इलाकों से बाहर जाने लगे। आदि मानव को मांस की तलाश में वहां जाना पड़ता था जहां अन्य शिकारी थे। लगभग 20 लाख साल पहले होमो की एक नई प्रजाति उभरने लगी। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर दूर तक चल सकते थे और इस प्रकार खतरों से भी बच सकते थे। मध्य पूर्व और एशिया में पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में वे अफ्रीका से बाहर फैलने लगे। जैसे जैसे वे नई जगहों पर गए उन्होंने नए हुनर सीखे। उनके औजार बेहतर हुए जिनसे उन्हें मांस काटने में मदद मिली। अधिक धूप वाले खुले उन्होंने दौड़ना सीख लिया। शरीर को ठंडा रखने के लिए उन्हें पसीने आने लगे क्योंकि उनमें अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा ग्रंथियां थी। कुछ साक्ष्यों के अनुसार शायद वे आग का इस्तेमाल भी करते थे और उनके दिमाग बढ़ते हुए लगभग आज के हमारे मस्तिष्क के आकार के हो गए। लगभग 7 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नया समूह विकसित हुआ जिसे हम होमो हाइडलबर्गेंसिस या हाइडलबर्ग मैन कहते हैं। उनके शरीर अधिक बड़े और मांसपेशी वाले थे ताकि वे विभिन्न जलवायु में रह सके। अब वे सिर्फ मरे हुए जानवर ही नहीं खाते थे बल्कि खुद भी शिकार करने लगे। मामूली औजारों की जगह हाथ की कुल्हाड़ियों ने ले ली। वे पत्थर की नुकीली नोक और धारदार चाकू बनाना जान गए और शायद लकड़ी के भाले भी। एवोल्यूशन यानी उद्विकास की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रही। हजारों सैकड़ों सालों के दौरान हमारे पूर्वज अफ्रीका के बाहर यूरोप और एशिया में फैल गए। होमो हाइडलबर्गेंसिस से कई नई संबंधित प्रजातियां विकसित हुई। उनकी शारीरिक विशेषताएं एक समान थी लेकिन उनमें से कोई भी आधुनिक मानव की तरह नहीं था। इन प्रजातियों में हम सबसे ज्यादा होमो नियंडरटॉलेंसिस यानी नियंडरटॉल के बारे में जानते हैं जो हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। उनके शरीर छोटे और गठीले थे और वे ठंड सह सकते थे। उनके कंधे चौड़े, हाथ छोटे और नाक काफी बड़े थे। वे आदिम पोशाक पहनते थे, भाषा में बातचीत करते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि उन्होंने आग जलाना और उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था। हमारे पास नियंडरटॉल के समय के पुरातत्व प्रमाण ज्यादा है। नियंडरटॉल की जीवाश्मिक हड्डियों के फ्रैक्चर और जख्मों से हमें पता चलता है कि इनके जीवन मुश्किल भरे थे। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी उम्र लंबी भी हुआ करती थी। ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी के प्रवर्तनात्मक चित्रण है। कृपया 6 लाख वर्षों की अवधि में लगभग 10,000 साल पहले मानव इतिहास में एक नया अध्याय खुला। कृषि और पालतू जानवरों के साथ बसा हुआ मानव समुदाय। इस समय से हमें मिट्टी के बर्तनों के सबूत मिले हैं जो खाना पकाने और उसे रखने के लिए इस्तेमाल होते थे।
ही धातु कार्य भी प्रचलित था। मानव अपने अस्तित्व के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चित्रों, गीत संगीत और लिखित शब्दों के प्राचीन रूपों का इस्तेमाल करता था। शिकारी गांवों में बसने लगे और वे गांव मानव संस्कृति के उद्गम स्थल बन गए। लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की आबादी 10 लाख से भी कम थी, क्योंकि हर कोने में फैल गए। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती और फैलती गई, स्थानीय समूह विकसित हुए और जैविक विविधता बढ़ी। वातावरण में आने वाले लगातार बदलावों के मुताबिक हम अपने आप को ढालते गए, इससे और अधिक विविधता आई। यह प्रक्रिया जारी है। मानव जाति निरंतर बदलाव की राह पर बढ़ रही है। Like it.